नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो पहेली और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, इस शो की शुरुआत हम एक पहेली के साथ करते हैं जो धरातल की एक पहेली की ओर ले जाता है। तो आज की पहेली है, जहां नदी है पर पानी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, सड़क है पर गाड़ी नहीं, शहर है पर घर नहीं। बूझो तो जाने, नहीं बूझ पाए ना? तो चलिए हम आपको इसका जवाब फिर से बता देते हैं। इसका जवाब है नक्शा, यानी कि मैप। देखिए, मैप में एक ऐसी ही पहेली हमें मिली जहां विज्ञान उल्टी चाल चलता है, जहां साइंटिफिक थ्योरीज जो हैं वो फेल हो जाती हैं और पहेली पानी की गहराई में कहीं खो जाती है। कुछ पहेलियां समझ जाती हैं, कुछ पहेलियां सुलझाई जाती हैं, कुछ पहेलियां समझ आती हैं तो कुछ पहेलियां समझाई जाती हैं। एक जवाब के ताने बाने में बुने सवालों के अलग अलग पहलू मिलकर ही एक पहेली अपने अंदाज में सामने आती है। जैसे कि पानी के एक कुंड की पहेली, सच का झूठ के साथ, धार्मिक मान्यताओं का अंधविश्वास के साथ और सवालों का जवाब के साथ एक रिश्ता सा है। और शायद इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की उस बंजर भूमि पर, जहां पर आपको चारों तरफ पानी का नामो निशान नजर नहीं आता, लेकिन यहां पर एक नदी और दो कुंड ऐसे हैं जो बहुत सारी पहेलियां दिखाती हैं। और उन्हीं पहेलियों का हल ढूंढने के लिए फिलहाल हम लोग अपने नए सफर पर निकल चुके हैं। भारत में सतपुड़ा की पहाड़ियों के जंगल में एक धारा बहती है, पथरीली पहाड़ी चट्टानी इलाका सदियों से उस पहेली को अपने गर्त में छिपाए बैठा है, जिसे जितना समझने की कोशिश की गई वो उतना उलझता चला गया। गिरिजा यानी भगवान शंकर की अर्धांगिनी मां पार्वती। शंकर के बिना पार्वती अधूरी हैं। बिल्कुल वैसे ही उस कुंड की पहेली भी भगवान शंकर के शिवलिंग स्वरूप पर चढ़ने वाले बेल पत्र के बिना अधूरी थी। कहते हैं कि वो कुंड अपनी तलहटी में भगवान शंकर के दिव्य धाम को जलमग्न किए हुए है, लेकिन ये मान्यता नहीं बल्कि प्रामाणिक है कि इस कुंड के पानी में बेल पत्र के तीन पत्ते डंठल तोड़कर डालने पर डूब जाते हैं, कुंड की तलहटी में चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। माना बेलपत्र डूबते होंगे, लेकिन पहेली की उलझन ये नहीं है, बल्कि पहेली की असली उलझन तो ये है कि इस कुंड में बाकी किसी भी वनस्पति का पत्ता डाला जाए वो लहरों पर तैरता ही रहता है, बिल्कुल विज्ञान के सिद्धांत की तरह। तो फिर आखिर इस कुंड की तलहटी में ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है, ऐसा कौन सा चमत्कार छिपा है कि कुंड की लहरों पर बाकी पत्ता तो तैरता है लेकिन केवल बेल का पत्ता ही गहराई में समा जाता है। कई सफर ऐसे होते हैं जिनके बारे में शायद हमको अंदाजा नहीं होता। कहा यह जाता है कि एक तालाब या फिर एक नदी ऐसी है जहां पर सारे पत्ते तैरते हैं, लेकिन बेलपत्र जो मेरे हाथ में है वो डूब जाता है। मान्यताएं बहुत सारी हैं उसके बारे में, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उसकी गहराई आज तक कोई नहीं ना पाया। तो मैं और मेरे सहयोगी धर्मेंद्र राजपूत यहां पर कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे
जिससे हम ये साबित कर पाएंगे कि आखिर जो यहाँ पर तथ्य बताए जाते हैं, जो कहानियां यहाँ पर गढ़ी जाती हैं, आखिर उसमें कितनी सत्यता है और आखिर उस कहानी का तात्पर्य क्या है। पानी की इस पहेली की गहराई में क्या भगवान शंकर की शक्ति निहित है, या फिर ये किसी दैवीय शक्ति का राज है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना हर कोई जानता है कि इस कुंड के पास आकर दुनिया का हर विज्ञान उल्टी चाल चलने लगता है। कुंड पर यकीन रखने वाले आज तक यही मानते हैं कि कुंड की ये शक्ति विज्ञान की सरहदों से परे पराविज्ञान का विषय है। दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर और भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर ये वो जगह है जहां पर कहा जाता है कि बहुत सारी कहानियां हैं। इन कहानियों के तथ्यों को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह पर मैं हूं उस जगह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। ये नदी है बीना नदी, और जो वो जगह है, जो तालाब है, जो यहाँ पर तालाब बन चुका है नदी के सहारे, उस जगह को कहा जाता है गिरजाधार, और उसके बारे में ही बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो हम उन तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस लंबे सफर के बाद हम जानते हैं कि बहुत सारी मुश्किलात हमारे सामने आने वाली हैं, लेकिन सभी चीजों को हल करके सभी तथ्यों को आपके सामने जरूर रखेंगे। अब कुंड का पता हमें चल चुका था। हम कुंड के बिल्कुल सामने थे। हमारे हाथ में बेल पत्र थे। पानी की वो चमत्कारी धार थी। अब बस परखना था उस चमत्कार को, जिसे लोग यहां सदियों से देखते आए हैं, महसूस करते आए हैं। बिना नदी के गिरिजाधार की ये पहेली काफी अनोखी थी, जहां कहते हैं कि इस नदी की तलहटी में शिव शंकर स्वयं विराजमान है, जहां सारे पत्ते तो तैर जाते हैं लेकिन बेल का तीन पत्ता जब भी डालो वो डूब जाता है, और डूबने के बाद जाता कहां है ये कोई नहीं जानता। बेल पत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। इस कुंड का नाम भी भगवान शिव की पत्नी मां पार्वती के नाम पर गिरिजाधार ही था। तो क्या कुंड की तलहटी में भगवान शंकर आशुतोष से जुड़ी कोई पहेली गुम थी? वो ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे बताया जाता है कि कोई पानी के अंदर एक मंदिर है, वहां पे जाकर ये पत्ती चली जाती है, बेलपत्री जो होती है वो नीचे चली जाती है। बाबा जी वे बोला नहीं थे, वे तो जहाँ उसमें डूबाते तो एक दो घंटा में निकलते। अच्छा। तो वे जा कहते थे कि इसमें मंदिर हैगा। कुंड में नीचे क्या है ये आज तक कोई नहीं जान सका है, लेकिन बताता हर कोई यही है कि कुंड के पानी में बेल पत्ता डूब जाता है, बाकी सब तैर जाते हैं। यहाँ पे बेल पत्ती का जो पत्ता होता है उसको पानी में डालते हैं तो वो सोता ही पानी में डूब जाता है। उसके अलावा अगर कोई पत्ता, कोई दूसरा पत्ता डालते हैं तो वो अपने आप ऊपर आ जाता है। जो अपन बेल पत्ती डालते हैं तो अपन डालते हैं और डूब जाती है, और जैसे कुछ को पत्ता डालो तो वो नहीं डूबता है। अब कुंड में होने वाले इसी चमत्कार को हमें भी करके देखना था। इस नदी की पहेली को अगर आप समझेंगे तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे। पहली बात ये कि यहाँ पर कहा जाता है कि बेलपत्र डूब जाता है क्योंकि नीचे भगवान शिव का मंदिर है, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। तो मेरे हाथ में बेलपत्र आप देख रहे होंगे, इस बेलपत्र को मैंने इस तरीके से नदी में रखा और ऊपर से जल जलासा छिड़का और बेलपत्र जो है वो डूब गया। इसके अलावा अगर आप साधारण पत्ता यहां पर डालते हैं, ये देखिए साधारण पत्ता, इसकी भी हमने डंडी तोड़ दी और इसको इस तरीके से डालेंगे, और जब इस पे कितना भी आप पानी छिड़क लीजिए ये पत्ता अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो यही इस नदी की मान्यता है कि यहां पर सारे पत्ते तैरते हैं जबकि बेलपत्र स्वतः ही डूब जाता है। तो ये रहस्य कई सालों से, कई दशकों से चलता आ रहा है,
मान्यताएं बहुत सारी हैं जो समझाती हैं कि ये नदी अपने आप में एक रहस्य, एक सवाल और एक पहेली बनी हुई है। एक बेलपत्र डूबा, हमें आश्चर्य हुआ। दूसरा बेलपत्र डाला, वो भी डूब गया। हम हैरत में थे। हम बार बार बेलपत्र की डंठल को तोड़ते, बेलपत्र को पानी में डालते, बेलपत्र के ऊपर पानी का आचमन करते और बेलपत्र हर बार पानी की तलहटी में समाता जा रहा था। हमें यकीन नहीं हो रहा था, एक, दो, दस, बीस, पच्चीस नहीं बल्कि हमने 50 बेलपत्र पानी में प्रवाहित किए और सब पानी में गायब होते गए। अब 51वें बेलपत्र की बारी थी। पिछले दो घंटे में करीब हम 50 से ज्यादा बेलपत्र इस नदी में प्रवाह कर चुके हैं। ये 51वां है और इस नदी में फिर से आप देखिए, ये देखिए 51वां बेलपत्र भी यहां पर डूब गया। अच्छा, एक और बात भी कही जाती है कि ये बेलपत्र जाते कहां हैं। जब आप इसके तल में जाएंगे तो ये बेलपत्र आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। मान्यता यह है कि ये बेलपत्र नदी में डूबने के साथ ही गायब हो जाते हैं। उसके बाद ये कौन से तल में जाते हैं, कहां पहुंचते हैं, इसका अंत कहां पर है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं और शायद कई लोगों ने कुछ कोशिश भी करी जानने की तो उनको जवाब नहीं मिल पाया। गहरे कुंड में लबालब भरे पानी में बेलपत्र जैसे हल्के पत्ते का डूब जाना और बाकी पत्तों का तैर जाना वास्तव में शिव का चमत्कार था या विज्ञान के सिद्धांत का भ्रम, इसको भी हमने तलाशने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले सवाल ये था कि आखिर बेल का पत्ता नीचे जाता है तो आखिर जाता कहाँ है। इस सवाल के जवाब में हमें उत्तर मिला कि ये कुंड अथाह है जिसके तल का कोई आज तक पता नहीं कर पाया है। उसकी थाए किसी ने ले ही नहीं पाई, जो गुड़ जाएगी उसकी थाए किसी ने नहीं ले पाई। हाँ, दो पांच मिनट नीचे भी चले गए तो नहीं ले पाई थाए। हाँ, बहुत गहरा है। अब ये बातें हकीकत में सच हैं या फिर कही सुनी कहानी, इसको जांचना परखना जरूरी था, जिसके सारे इंतजाम हम करके चले थे। चार्य जी ने बेलपत्र छोड़ा तो वहाँ वो डूबते हुए देखा तो सबको बताया कि ये देखो यहाँ तो अद्भुत चमत्कार है। जब देखा तो आज भी वो सत्य का प्रमाण देती है वो जगह के। हाँ, जो भी आता है डालता है बेलपत्र बराबर डूबता है। बाबा जी ने अकेले सिर्फ मंदिर देखा हो या नहीं देखा हो, मन वे जब डूबते नहाते तो वे दो घंटा के पहले नहीं निकलते। अब वे जहाँ तक जात हो मंदिर तक जात हो जहाँ तक जात हो बापन ही नहीं मालूम। भारी भरकम पत्थर हमारे हाथ में था, हमने रस्सी से उसे बांधा। रस्सी की लंबाई भी कम से कम 100 मीटर के आसपास की थी। तैराक हमारे पत्थर को लेकर कुंड के बीचों बीच पहुंच चुका था। पत्थर लगातार कुंड की गहराई में सफर तय करता जा रहा था। इस नदी में कई सारी पहेलियां हैं जो अब तक अनसुलझी हैं। इसमें कहा जाता है कि यहां पर इसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, प्रयास ये कर रहे हैं कि करीब 100 मीटर की रस्सी हमारे पास है, ये पत्थर हम बांधेंगे और यहां पर जो तैराक है हमारे साथ वो नदी में जाएंगे और इस पत्थर को बीच में छोड़ देंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे ये पता लगाने के लिए कि आखिर इस नदी की गहराई कितनी है। देखते देखते अब रस्सी का कुछ ही मीटर का टुकड़ा हमारे हाथ बचा था, लेकिन गहराई अभी भी और ज्यादा थी। हमने बीच नदी में पत्थर को भेज चुके हैं हम लोग और अब ये वहां से जो तैराक हैं वो पत्थर को छोड़ेंगे और पत्थर के छूटने के बाद हम ये समझ पाएंगे कि आखिर करीब 100 मीटर की जो रस्सी हमारे पास है क्या ये नदी 100 मीटर से ज्यादा गहरी है या उससे कम, या फिर कहा जाता है कि इसकी नपाई आज तक कोई नहीं कर पाया, उसकी सत्यता भी आज सामने निकल के आएगी। इस कुंड की गहराई कितनी है ये तो नहीं पता चला, लेकिन एक बात तो तय हो गई कि कुंड 100 मीटर से ज्यादा गहरा है और इस गहराई में बेल का वो पत्र कहां और कैसे खो जाता है ये ना तो विज्ञान जानता है और ना ही इंसान।
आखिर बेल के पत्र का डूबना केवल एक चमत्कार है या फिर कोई विज्ञान की संकल्पना, इसी को जानने के लिए हमारी पड़ताल लगातार जारी थी। चमत्कार की इस पहेली को अब विज्ञान के औजारों के जरिए समझने और समझाने की कोशिश होनी थी, और जब विज्ञान के लेंस से हमने पहेली को देखा तो हम भी देखकर हैरान रह गए। कुंड में केवल बेल का पत्ता ही डूबता है, बाकी पत्ता तैरता है। इसकी पहेली को सबसे पहले यहाँ के मंदिर के आचार्य ने महसूस किया था। कहते हैं कि मंदिर के आचार्य के पास दिव्य शक्तियां थी, वो इस कुंड के अतल गहराई को नाप चुके थे। उनको तले में शिव मंदिर के दर्शन हुए थे। आचार्य 5-5 घंटों तक जल समाधि लगाते थे, क्योंकि उनको गंगाधर भगवान शंकर का वरदान प्राप्त था। पहली भागवत हुई थी ये कब, 2003-04 में, उस समय मालूम पड़ा था ये कि बेलपत्र वो विसर्जन करने को गए पूजा आरती की, जब वहाँ डाला बेलपत्ती डूबते हुए, जब देखा कि यहाँ तो चमत्कार है, देखो बेलपत्ती डूब रही है, तो सब सभी लोगों ने देखा, तो जब से वो सबको मालूम हुआ यहाँ तो बेलपत्री डूबती है, तो कुछ लोग जाते भी हैं, वो कई बार मीट गया वाले भी आए, उसको देखा ऊपर नीचे भी पानी भर के डाल के ऊपर नहीं डूबा, उसमें डाला तो डूब गया। मतलब कई बार तो ये कई लोग आते भी हैं तो वहाँ डालते हैं बेलपत्ते डूबते हैं, कलेक्टर भी आए, कमिश्नर भी आए, SDM भी तो बहुत आते हैं यहाँ वहाँ से। आस्था, चमत्कार, वरदान, सभी पहलुओं को हमने जांचा और परख लिया था, लेकिन अब बारी थी उन सभी को विज्ञान की कसौटी पर कसने की। इसीलिए हम पहुंचे उनके पास जो इस विषय के जानकार थे। प्रोफेसर आशीष वर्मा मेरे साथ हैं और उनसे हम समझने वाले हैं आज वो तमाम चीजें जिनके जवाब की तलाश में हम लोग यहां पर पहुंचे हैं। करीब 150 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि विज्ञान के जरिए ये समझने का कि आखिर जो भी सवाल, जो भी पहेलियां हमारे दिमाग में चल रही हैं, उनका हल इससे निकल पाएगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमने आपको दिखाया कि आखिर किस तरीके से नदी के अंदर बेलपत्र डूब जाते हैं और बाकी पत्ते तैरते हैं। तो आशीष जी, ये किस तरीके से पॉसिबल है कि एक पत्ता तो डूब रहा है और दूसरा जो है वो आराम से तैर रहा है, इसको थोड़ा सा समझा पाए आप विज्ञान की भाषा में? तो ये जो सारा मैटर है ये सिर्फ घनत्व का है, और हमको ये समझना होगा कि हर चीज का अपना एक घनत्व होता है, चाहे वो पानी हो या लीव्स हो। तो जनरली जो भी चीज तैरती है वो यही इसलिए तैरती है कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ऐसी कंडीशन में वो फ्लोट करती है। और जैसा आपने अभी बताया कि लोग उसके ऊपर पानी डालते थे, तो दैट इज वेरी सिंपल कि आप उसका वेट बढ़ा रहे हैं और उसके कारण वो अंदर जा रही हैं। लेकिन मेरे पास ऐसे प्रयोग हैं कि जैसे अशोक के पेड़ की पत्तियां हैं, आप इसमें कितना भी पानी डाल दें ये डूबेगी नहीं, क्योंकि ये जो इनके जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है जहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेना चाहते हैं उनको वो कम मात्रा में लेते हैं, इसलिए इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। मतलब ऑक्सीजन सस्टेनेबिलिटी जो अशोक के पेड़ में होती है वो ज्यादा होती है। इस कंडीशन में आप जब भी उसमें पानी भी डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा। लेकिन जो बेल पत्र होता है ये बेसिकली ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसका उपयोग बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में किया जाता है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज हो, बहुत सारी चीजों में। तो क्या होता है कि इनकी जो सेल संरचना है इनके बीच में गैप होता है, और जैसे ये पानी में डाले जाते हैं तो ये पानी को हटा के कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस करते रहते हैं, और जब आप उसमें और पानी डालते हैं तो उसका वेट अपना बढ़ जाता है और वो नीचे चले जाते हैं। ये अशोक के लीफ से, और इसको हम डाल रहे हैं, ये देखिए फ्लोट कर रही है। एंड अगर आप थोड़ा सा क्लोज करें तो आप देखिए साइड में इट डिफाइंस द डेंसिटी ऑफ द वाटर विच इज हायर, जो ज्यादा है लीफ से, और दैट्स वाई वो इस पे फ्लोट कर रही है। और अगर अपन इसमें पानी भी डालते हैं तो ये नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि जो सेल संरचना मैं आपको बता रहा था यहां पर ये तुरंत ही ऑक्सीजन को बाहर नहीं करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को खींचती नहीं है, इसलिए ये यहां पर फ्लोट करती है। अच्छा, थोड़ा सा पानी में इसको और डाल डाल दीजिए, डालते रहिए।
देखिए याद करिएगा वो नदी का सीन आपको याद आ रहा होगा कि कैसे हम लोग जो हैं वो लगातार एक नॉर्मल पत्ते को डुबोने की कोशिश कर रहे थे और वो पत्ता अपने आप ऊपर की तरफ आ रहा था। तो देखिए ये पत्ता जो है वो हमने इसे कितना भी इसके ऊपर पानी डाला लेकिन ये देखिए ऊपर की तरफ जो है वो आपको तैरता हुआ नजर आ रहा होगा, ये डूबा नहीं है। अब देखिए अब बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट। अब देखिए हालांकि ये एक छोटी बेलपत्र है, गर्मियों का सीजन है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये इस तरीके से ये तैरेगी। और अब यू सी दी जो पानी का जो एक फॉर्मेशन बन रहा है इसके चारों तरफ, यहां पर हम जरूर कह सकते हैं कि इस समय डेंसिटी जो है वो कम है वाटर से और ये फ्लोट कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम से ये नीचे की तरफ जाएगा, बिकॉज जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ रिप्लेस हो रही है। चूंकि ये छोटा पत्ता है और अपन उत्प्लावक बल के बारे में जानते हैं, तो थोड़ा अभी चूंकि पानी का वॉल्यूम बढ़ गया है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन बड़ा पत्ता अगर होगा तो डेफिनेटली वो आएगा नहीं। बेल पत्र बर्तन के पानी में डूबा तो जरूर, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद ऊपर आने लगा, यानी उस कुंड के पानी के साथ साथ कुंड की तलहटी में ऐसा तो कुछ जरूर है जिसकी थाह विज्ञान भी नहीं ले पाया है। आस्था और विश्वास की पहेली जैसे सदियों पहले कायम थी वही आज भी कायम है। सागर के गिरजाधार से वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए पहेली के आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, अगली बार फिर से किसी और पहेली के साथ हाजिर होंगे आप सभी के सामने, लेकिन तब तक आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।